10 मार्च 1969 को राष्ट्र की औद्योगिक इकाइयों तथा आर्थिक महत्व के स्थलों की सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु राष्ट्रव्यापी बल CISF का गठन हुआ। 52 वर्षों के स्वर्णिम सेवा काल में विविधतापूर्ण चुनौतियों को बल ने बखूबी निभाया है तथा राष्ट्र की सुरक्षा जरूरतों के मुताबिक प्रत्यक्ष सुधार करते हुए निरंतर नए आयामों को छुआ है तथा एक स्फूर्त पेशेवर सुरक्षा बल की वैश्विक छवि का निर्वाह किया है। CISF की पहचान एक प्रशिक्षित, अनुशासित तथा अग्रणी बल के रूप में की जाती है। 52 वर्षों में अनेकानेक चुनौतियों तथा अनुभवों के अपेक्षा अनुसार सुरक्षा परिदृश्य में CISF ने कई सफल प्रयोग किए हैं तथा देश के सुरक्षा ढांचे को मजबूत स्तंभ प्रदान किया है। 52वें स्थापना दिवस समारोह के शुभ अवसर पर केंद्र गृह नमस्कार। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 52वें स्थापना दिवस परेड समारोह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। 5वीं आरक्षित वाहिनी गाजियाबाद का यह भव्य और विशाल परिसर और आज यहां उपस्थित हैं CISF के जवान, अधिकारी, देशवासी। और आज इस समारोह का मुख्य आकर्षण रहेगा परेड मार्च पास्ट, पदक अलंकरण समारोह और CISF की क्षमता एवं दक्षता का प्रदर्शन। स्थापना दिवस किसी भी बल के लिए वह अवसर है जब बल अपने इतिहास का अवलोकन कर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका और उत्तरदायित्व का विश्वास दिलाता है। आज के समारोह के मुख्य अतिथि हैं श्री अजय कुमार भल्ला, माननीय केंद्रीय गृह सचिव, श्री सुबोध कुमार जायसवाल, महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का आगमन और अब प्रांगण में मुख्य अतिथि का आगमन श्री अजय कुमार भल्ला, केंद्रीय गृह सचिव, और उनका स्वागत करते श्री सुबोध, हां जी, श्री सुबोध कुमार जायसवाल, मुख्य अतिथि महोदय, सबसे पहले शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके पश्चात सलामी मंच पर पधारेंगे। कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले CISF के वीर सपूतों को नमन। आज की इस परेड के कमांडर हैं भरा है देशभक्त दीवानों से,
भारत का इतिहास भरा है देशभक्त दीवानों से, राष्ट्र की खातिर प्राण गवाए, जंग लड़ी अरमानों से, उसी मार्ग पर अनुगामी बन हमको चलते जाना है, उनकी कुर्बानी के आगे हमको शीश नवाना है। विशेषज्ञता प्राप्त आपातकालीन सेवा अग्निशमन दस्ते से सुसज्जित एकमात्र केंद्र पुलिस बल है CISF। देवियों और सज्जनों, मैं आप सभी का ध्यान आज की स्थापना दिवस परेड समारोह की ओर आकृष्ट करना चाहूंगी। परेड द्वितीय कमान अधिकारी श्री दीपक मणि तिवारी उप कमांडेंट ने मार्कर्स को इंस्पेक्शन लाइन पर आने का आदेश दिया। इस आदेश पर सभी मार्कर्स समारोह के अनुरूप आकर्षक पोशाकों में अपने निर्धारित गंतव्य की ओर बढ़ते हुए विभिन्न खंडों की प्रतिनिधि के रूप में 8 कंपनियां इस परेड में हिस्सा ले रही हैं। के समर्पण का एवं बलिदान का अविचल शाका की जय हो, जय हो। सभी टुकड़ियां अपने गंतव्य तक पहुंचते हुए, नई जिंदगी नया सवेरा, नए विचारों की है धारा, नवयुग की बेला में जागा CISF का प्रांगण सारा, स्वागत वीरो आज तुम्हारा, स्वागत वीरो आज तुम्हारा।
सजाया गया। आज के इस भव्य परेड के परेड कमांडर हैं श्री के भारद्वाज कमांडेंट और परेड द्वितीय कमान अधिकारी हैं श्री दीपक मणि तिवारी उप कमांडेंट। परेड कमांडर के हाथों में सौंपने के लिए आगे बढ़ते परेड तैयार है सुमार परेड टूआईसी द्वारा परेड कमांडर को परेड की रिपोर्ट दी गई। आज की इस भव्य परेड के परेड कमांडर श्री के भारद्वाज कमांडेंट और टूआईसी श्री दीपक मणि तिवारी उप कमांडेंट चुस्त एवं सधे हुए कदमों से अपने निर्धारित स्थान की ओर आगे बढ़ते हुए इस परेड ग्राउंड में निशान टोली का आगमन मैदान के बाएं छोर से श्री प्रबल प्रताप सिंह सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में परेड मैदान में प्रवेश करते हुए उपस्थित समस्त अतिथियों अधिकारियों एवं सम्मानित दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया निशान के सम्मान में परेड कमांडर के कमान के उपरांत अपने स्थान पर खड़े हो जाएं तथा वर्दी धारी कृपया चलिए।
1994 को श्री पीवी नरसिम्हा राव तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा सीआईएसएफ को निशान प्रदान किया गया। वीरता और युवा जोश का प्रतिबिंब निशान तीन आड़ी पट्टियों के संयोग से बना है। ऊपर की पट्टी औद्योगिक सुरक्षा और शांति का प्रतीक है, वहीं मध्य पट्टी पेशेवर दक्षता तथा एकजुटता को दर्शाती है। नीचे की आड़ी पट्टी बल्कि युवा जोश तथा ध्येय वाक्य को संधारित करती बल्कि सदैव अग्रसर होने की परिचायक है। वहीं लॉरल लीव्स विजय का प्रतीक है तथा भारत का राजचिन्ह अशोक स्तंभ देश की संप्रभुता का परिचायक है। निशान पर बने 13 फॉर्मेशन चिन्ह बल्कि बहुआयामी रूप को प्रतिबिंबित करते हैं। श्री दयाल गंगवार आईपीएस महानिरीक्षक एनसीआर खंड कुछ ही क्षणों में यहां पधारने वाले हैं। महानिरीक्षक एनसीआर खंड का आगमन हो चुका है। मेरे आगे बताइए प्लीज। परेड द्वारा जनरल सेलेक्ट की प्रस्तुति से आईजीआर एनसीआर खंड का अभिवादन किया गया। श्री दयाल गंगवार महानिरीक्षक एनसीआर खंड उड़ीसा काडर के 1998 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी। लगभग 20 वर्षीय उल्लेखनीय सेवा के दौरान आपने विभिन्न चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगभग 6 अति संवेदनशील जिलों में आपने पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारियों को दृढ़ता, समर्पण एवं प्रतिबद्धता से निभाया। आपने कई नक्सल विरोधी अभियानों का परिणाम उन्मुखी संचालन भी किया है। अपराध संगठन पर नियंत्रण कर कानून व्यवस्था के संवर्धन हेतु आपके द्वारा किए गए प्रयोगों की मिसाल दी जाती है। आपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों को अनुकरणीय नेतृत्व प्रदान करते हुए माओवाद को उत्तरी उड़ीसा से समाप्ति में विशेष भूमिका निभाई। यातायात नियंत्रण में गांधीगिरी मॉडल सरीखे अन्य नवीन विधियों के सफल क्रियान्वयन के कारण आपको प्रभावशाली पुलिस ऑफिसर के उदाहरण के रूप में देखा जाता है। उत्तम तथा त्रुटिहीन सेवा हेतु आपको 3 अवसरों पर डीजीपी कमेंडेशन लिस्ट से अलंकृत किया गया। इसके अतिरिक्त आपको अपराध नियंत्रण एवं एंटी माओइस्ट ऑपरेशन के लिए राज्यपाल पदक हासिल करने का गौरव प्राप्त है। आप वर्ष 2016 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में प्रतिनियुक्ति पर
उप महानिरीक्षक के पद पर आए। वर्ष 2017 में रिपब्लिक डे परेड की सशस्त्र बलों की श्रेणी में सीआईएसएफ कंटिंजेंट को बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट का खिताब प्रदान किया गया था। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि में आपकी भूमिका अतुल्य थी। तत्पश्चात ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप 2018 के 67वें संस्करण के सफल आयोजन से संबंधित विभिन्न पहलुओं में निष्ठापूर्वक आपकी भागीदारी की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। आपको वर्ष 2015 में प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से अलंकृत किया गया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में आपको 3 अवसरों पर महानिदेशक डिस्क प्रदान किया गया। आपको 2018 से 2020 तक 7 डायरेक्टर जनरल कमेंडेशन रोल से सम्मानित होने की विशिष्टता भी प्राप्त है। कुछ क्षणों में बल के विशेष महानिदेशक मुख्यालय श्री सुधीर कुमार सक्सेना आईपीएस का इस प्रांगण में आगमन होगा। द्वारा जनरल सैल्यूट से विशेष महानिदेशक महोदय का अभिवादन किया गया। श्री सुधीर कुमार सक्सेना आईपीएस विशेष महानिदेशक मुख्यालय ने दिनांक 26 जून 2018 को अतिरिक्त महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का पदभार ग्रहण किया और दिनांक 14 दिसंबर 2020 से पदोन्नति के पश्चात विशेष महानिदेशक मुख्यालय की जिम्मेदारियों को संपूर्ण निष्ठा से निभा रहे हैं। आप वर्ष 1987 में भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुए। आप प्रतिष्ठित MITS ग्वालियर से सिविल इंजीनियरिंग में BE एवं भारत के अति प्रतिष्ठित MTech हैं। आप लगभग 8 वर्षों तक मध्य प्रदेश के 4 जिलों रायगढ़, छिंदवाड़ा, रतलाम एवं जबलपुर में पुलिस अधीक्षक के महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत रहे। आपने उप महानिरीक्षक पुलिस के पद पर रहते हुए पुलिस मुख्यालय भोपाल में भी अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। राज्य पुलिस में विभिन्न पदों पर रहते हुए आपकी कुशल कार्यप्रणाली तथा पेशेवर दृष्टि से पुलिस व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन आया।
आप वर्ष 2002 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर सीबीआई में आए, जहां लगभग 7 वर्षों तक डीआईजी बैंक सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल बैंगलोर, डीआईजी स्पेशल यूनिट दिल्ली, डीआईजी एंटी करप्शन दिल्ली रीजन और जॉइंट डायरेक्टर पॉलिसी जैसे महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। इन पदों पर रहते हुए अति महत्वपूर्ण जांचों को निष्पक्षता, निष्ठा एवं समयबद्ध तरीके से न्यायोचित निष्कर्ष तक पहुंचाने में प्रदर्शित कर्तव्य परायणता आपकी भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की प्राथमिकता को प्रतिबिंबित करता है। सीबीआई प्रतिनियुक्ति से अपने काडर में वापस जाने के पश्चात आप आईजी इंटेलिजेंस और एडिशनल डीजी एडमिनिस्ट्रेशन के पदों पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। महानिदेशक महोदय का आगमन हो चुका है। प्राप्त एवं अनुकरणीय केंद्रीय सशस्त्र बल के रूप में प्रतिष्ठापित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक का पदभार संभाला। महानिदेशक सीआईएसएफ के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले आप 28 फरवरी 2019 से महाराष्ट्र राज्य मुंबई में पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। आपने अंग्रेजी प्रतिष्ठा में स्नातक होने के पश्चात बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। आपने 35 वर्षों के अपने प्रतिष्ठित सेवाकाल के दौरान महाराष्ट्र राज्य में और भारत सरकार के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कई महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील पदों पर कार्य किया। महाराष्ट्र में आपने औरंगाबाद जिले में सहायक पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में तथा औरंगाबाद, उस्मानाबाद एवं अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित जिला गढ़चिरौली में पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य किए। महाराष्ट्र राज्य रिजर्व पुलिस बल में भी आपने उप महानिरीक्षक के पद पर काम किया है। आपने अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के रूप में मुंबई पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते का कुशल नेतृत्व किया है। तत्पश्चात आपने पुलिस महानिरीक्षक अमरावती रेंज और पुलिस आयुक्त बृहन मुंबई के रूप में भी अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी। भारत के माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा जिम्मेदारियों को निभा रही स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की क्लोज प्रोटेक्शन टीम में आप लगातार 6 वर्षों तक एआईजी एवं डीआईजी के रूप में सफलतापूर्वक सेवाएं दे चुके हैं।
जून 2008 से जून 2018 तक आप कैबिनेट सचिवालय में एडिशनल सेक्रेटरी एवं विशेष सचिव के पद पर रहे हैं। पुलिस कार्यप्रणाली के विभिन्न आयामों को व्यापक एवं वैविध्यपूर्ण अनुभव का समुचित लाभ मिला। महाराष्ट्र में पुलिस महानिदेशक का पदभार ग्रहण करने के उपरांत आपने न केवल कानून व्यवस्था चुनौतियों का प्रभावी प्रबंधन किया बल्कि कई नव विचार निर्मित कर दिया। आप तो वर्ष 2001 में सराहनीय नमस्कार एंड ग्रीटिंग्स ऑन सीआईएसएफ डे 2021। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के 52वें स्थापना दिवस परेड समारोह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। पांचवी आरक्षित वाहिनी गाजियाबाद का ये भव्य और विशाल परिसर जहां पर आज मुख्य आकर्षण रहेंगे परेड मार्च पास्ट, पदक अलंकरण समारोह और सीआईएसएफ की क्षमता एवं दक्षता का प्रदर्शन। स्थापना दिवस किसी भी बल के लिए वह अवसर है जब बल अपने इतिहास का अवलोकन कर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका और उत्तरदायित्व का विश्वास दिलाता है। आज इस समारोह के मुख्य अतिथि हैं श्री अजय कुमार भल्ला, माननीय केंद्रीय गृह सचिव, और समारोह के साक्षी बनते हम सभी सबसे पहले नमन करते हैं उन वीर जवानों को जिन्होंने कर्तव्य पथ पर हमारी रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी। आज की इस परेड के कमांडर कमांडेंट श्री के भारद्वाज, उप कमांडेंट श्री दीपक मणि तिवारी, उमंग से भरी एक अनुशासित परेड की पूरी तरह से तैयारी, साहसी दृढ़ निश्चय के साथ सजी हुई टोलियां, सुसज्जित पोशाकों में कतारबद्ध बल के साहसी जवान एवं वीरांगनाएं एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर उजागर करते हुए। आज इस समारोह में उपस्थित हैं सीआईएसएफ के जवान, अधिकारीगण, उनके परिवार के सदस्य, अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के प्रतिनिधि, सभी देशवासी आज आभार व्यक्त करते हैं सीआईएसएफ का। फिर चाहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो या प्राइवेट सेक्टर, एयरपोर्ट की सुरक्षा की बात हो या फिर सी पोर्ट की, दिल्ली मेट्रो में यदि हम सवारी करते हैं तो हमने सीआईएसएफ के जवान को जरूर देखा होगा। एटॉमिक पावर प्लांट्स, इनकम टैक्स ऑफिस, दिल्ली मेट्रो, इसरो, ऐसी बहुत सी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, देश की संपदा है जिसको सुरक्षित रखते हैं सीआईएसएफ के बहादुर जवान।
इस बात का संकेत है कि स्थापना दिवस परेड समारोह के और बिगुल के संकेत से ही कुमार भल्ला माननीय केंद्रीय गृह सचिव भारत सरकार का आगमन इस प्रांगण में हो चुका है। प्रांगण में आगमन मुख्य अतिथि महोदय का श्री अजय कुमार भल्ला माननीय केंद्रीय गृह सचिव। सबसे पहले माननीय मुख्य अतिथि महोदय केंद्रीय गृह सचिव भारत सरकार श्री अजय कुमार कर्तव्य पथ पर बल की स्थापना से आज अपनी प्राण न्यौछावर करने वाले सीआईएसएफ के वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। सीआईएसएफ के वीर सपूतों बल का इतिहास वीरता की कहानियों से भरा है। ये शौर्य गाथाएं हमें देश निर्माण के लिए प्रेरित करती हैं। ऑनरेबल चीफ गेस्ट लेइंग रीथ एट द मार्टर्स मेमोरियल। महात्मा गांधी हैड सेड डेथ इज एट एनी टाइम ब्लेस्ड बट इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड फॉर अ वॉरियर हु डाइज फॉर हिज कॉज दैट इज ट्रूथ। इट इज द कॉज नॉट द डेथ दैट मेक्स द मार्टर। ऑनरेबल डायरेक्टर जनरल सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स श्री सुबोध कुमार जायसवाल इंट्रोड्यूसिंग द चीफ गेस्ट एंड गिविंग हिम द सीआईएसएफ हैट एज ऑनरेबल श्री अजय कुमार भल्ला जी प्राउडली वेयर्स द सीआईएसएफ हैट। ही विल नाउ बी गिवन द जनरल सल्यूट। माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन जनरल सैल्यूट से किया गया। बैंड द्वारा बजाई गई धुन थी जनरल सैल्यूट। Commandant Shri K.K. Bhardwaj inviting the Honorable Chief Guest for the inspection of the parade as they now embark on this vehicle. What a proud moment this is, as clapping in the background indicates the momentous occasion of the 52nd raising day of the Central Industrial Security Force. The CISF raising day is celebrated on March 10th every year. It was set up under an Act of Parliament of India on this very day, 10th of March in 1969. Over 5 decades of glorious journey in the service of the nation. Their motto, protection and security. बल का आदर्श वाक्य संरक्षण एवं सुरक्षा। सीआईएसएफ एक पीपल सेंट्रिक फोर्स है। इस पुलिस बल की विशेषता की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा पब्लिक इंटरफेस रहता है। आपने खुद भी एयरपोर्ट दिल्ली मेट्रो में अनुभव किया होगा। सीआईएसएफ एक कॉस्ट न्यूट्रल फोर्स है और देश की आर्थिक प्रगति की बात करें तो हम कह सकते हैं कि पिछले 5 दशकों में भारत की विकास यात्रा की पार्टनर रही है सीआईएसएफ।
माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अजय कुमार भल्ला जी, केंद्रीय गृह सचिव, और साथ ही श्री सुबोध कुमार जायसवाल, महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। परेड का निरीक्षण करते हुए CISF is a highly trained professional force. It stresses on the public police participation. It's a tech-savvy force. क्रम में सबसे पहली टोली महिला दस्ते की, जिसका नेतृत्व कर रही हैं श्रीमती चेतना, सहायक कमांडेंट। ऑरेंज कलर में जो दस्ता आप देख रहे हैं ये अग्निशमन का है, फायर विंग, जिसकी कमान संभाली है श्री सर्वना गौतम ने, सहायक कमांडेंट। इसी क्रम में तीसरी टुकड़ी श्रीमती कमलेश बाली, सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में। खूबसूरत भव्य प्रांगण गाजियाबाद में स्थित। चौथी टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री के सातो, सहायक कमांडेंट। परेड का निरीक्षण करते हुए श्री अजय कुमार भल्ला जी इस वाहन में सवार। पांचवी टुकड़ी श्री अभिषेक इंगले, सहायक कमांडेंट CISF के नेतृत्व में, और साथ ही म्यूजिकल बैंड जो कि खूबसूरत देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत गीत प्रस्तुत कर रहा है, धुने प्रस्तुत कर रहा है, और इस बैंड का नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर करण सिंह राजपुरोहित। छठी टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री ब्रिजराज, सहायक कमांडेंट CISF। क्रम में सातवीं टुकड़ी की कमान संभाली है श्री अभिषेक मिश्रा ने, सहायक कमांडेंट CISF। और आठवीं व अंतिम टुकड़ी को लीड कर रहे हैं श्री अनुराग शर्मा, सहायक कमांडेंट। CISF Day 2021 is a proud moment for each one of us, the citizens of this great nation India, as we express our heartiest wishes and salute to the Central Industrial Security Force on their raising day for protecting us, for protecting our nation and securing the critical infrastructure of the country. खासतौर पर कोरोना काल की बात करें तो CISF ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मास्क पहनकर कोविड नियमों का पालन करते हुए एक सुरक्षित वातावरण बनाया। कोविड-19 वैश्विक महामारी के संकट काल में CISF ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी बखूबी निभाई। लगभग सभी CISF इकाइयों द्वारा आसपास के इलाकों में जरूरतमंदों को खाद्य पदार्थ, सूखा राशन, फेस मास्क तथा सैनिटाइजर वितरण लगातार दिया गया। दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी के कोरोना विजय सिद्धांत के साथ बलकर्मियों ने बखूबी अपने कर्तव्य को निभाया, अपने वेतन से वित्तीय सहायता भी की। और इस समय निरीक्षण वाहन जनसमूह का अभिवादन स्वीकार करता हुआ सलामी मंच के पास पहुंच रहा है। श्री अजय कुमार भल्ला 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं। CISF इज अ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स दैट इज गवर्न्ड बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री। और वाहन में उनके साथ हैं श्री सुबोध कुमार जायसवाल, महानिदेशक CISF, जो कि महाराष्ट्र काडर के 1985 बैच के IPS अधिकारी हैं।
और परेड के निरीक्षण के बाद मुख्य अतिथि सलामी मंच पर। और अब सबको इंतजार है मार्च पास्ट का। कमांडेंट श्री के भारद्वाज ने मुख्य अतिथि महोदय का आभार व्यक्त किया और मार्च पास्ट के लिए अनुमति भी ली। विभिन्न खंडों के प्रतिनिधि के रूप में 8 कंपनियां इस परेड में हिस्सा ले रही हैं। सभी टुकड़ियों का अभिवादन यहां उपस्थित जनसमूह ने किया और अब मार्च पास्ट में एक एक कर सीआईएसएफ के ये दस्ते सलामी मंच के पास से गुजरेंगे। मार्च पास्ट में सबसे पहले सीआईएसएफ का महिला दस्ता कदम से कदम मिलाते हुए पूरे जोश और उत्साह के साथ सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए प्रतिबद्धता, एकाग्रता, समर्पण तथा उल्लास की भावनाओं से ओतप्रोत ये टुकड़ियां परेड के कमांडर कमांडेंट श्री के भारद्वाज, उप कमांडेंट श्री दीपक मणि तिवारी और महिला दस्ते का नेतृत्व करती सहायक कमांडेंट चेतना अग्निशमन दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं सहायक कमांडेंट सर्वना गौतम। सलामी मंच के ठीक सामने तीसरी टुकड़ी श्रीमती कमलेश बाली सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में। चौथी टुकड़ी श्री के सातों के नेतृत्व में और मध्य में बल के गौरव का प्रतीक निशान टोली
सहायक कमांडेंट श्री प्रबल प्रताप सिंह के नेतृत्व में। मंच के सामने पांचवी टुकड़ी अभिषेक इंगले सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में। छठा दस्ता श्री ब्रिजराज सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में। जोश उमंग और उत्साह का माहौल। सलामी मंच पर श्री अजय कुमार भल्ला। सातवां दस्ता मंच के सामने से गुजरता हुआ अभिषेक मिश्रा के नेतृत्व में और आठवीं टुकड़ी जिसे लीड कर रहे हैं श्री अनुराग शर्मा सहायक कमांडेंट। Patriotic tunes fill the air as we all celebrate the 52nd raising day of the CISF. Leading the musical band team of the CISF is Sub-Inspector Karan Singh Rajpurohit, playing these mellifluous patriotic tunes. Dressed in white coat and black pants, immaculately dressed, bad members of the CISF. एवं सदे हुए कदमों से एकता के साथ मार्च करते हुए सीआईएसएफ की ये जवान। द ब्यूटिफुल मार्च पास्ट वॉज अ टेस्टिमनी टू द डिसिप्लिन एंड द टीम वर्क इन द पिक्चरेस्क बैकग्राउंड ऑफ द फोर्ट। द ब्यूगलर्स राइट देयर ऑन द टॉप ऑफ द फोर्ट, द फ्लैग्स एंड द इंडियन ट्राइकलर। और रंगारंग मार्च पास्ट के बाद अब परेड समीक्षा क्रम फॉर्मेशन में और उसके बाद स्वागत संबोधन। Thank you.
और अब श्री सुबोध कुमार जायसवाल, महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा स्वागत संबोधन होगा। माननीय केंद्र गृह सचिव भारत सरकार श्री अजय कुमार भल्ला जी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक एवं पूर्व महानिदेशक, विशेष अतिथिगण, मीडिया प्रतिनिधि, CISF परिवार के मेरे साथियों, देवियों तथा सज्जनों, CISF के 52वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं CISF परिवार की ओर से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक स्वागत करता हूं। महोदय, आपके आगमन से यहां उपस्थित बल के हर सदस्य का मनोबल बढ़ा है, हम आपके आभारी हैं। उपस्थित सभी मान्यवरों ने यहां पधारकर हमें प्रोत्साहित किया है, इस बल की तरफ से आप सभी का स्वागत है। महोदय, वर्ष 2007 से लेकर 2020 के बीच राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में CISF कंटिजेंट को बेस्ट मार्चिंग ट्रॉफी अब तक 6 बार मिल चुकी है। महोदय, ये हमारे प्रशिक्षण, लगन व कुछ कर गुजरने की ललक का परिणाम है। आज की यह परेड भी हमारी इसी उत्साह व समर्पण का विस्तार है। इस भव्य परेड में शामिल अधिकारी व बल सदस्यों ने बहुत कम समय में सोशल डिस्टेंसिंग के सभी मानकों को अपनाते हुए एक उच्च स्तरीय परेड का प्रदर्शन किया है, जो निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं। महोदय, इस अवसर पर पहले मैं CISF के 4 कर्मठ बल सदस्यों, उप निरीक्षक महावीर प्रसाद गोदारा, प्रधान आरक्षक हिरण्ना नायक, आरक्षक महेंद्र कुमार पासवान एवं आरक्षक सतीश कुमार कुशवाहा को याद करता हूँ, जिन्होंने वर्ष 2020 के दौरान अंत्योदय भवन, CGO कॉम्प्लेक्स दिल्ली एवं ONGC मुंबई में भीषण अग्निकांड की घटनाओं में आग बुझाने के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी, जिसके लिए भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। मैं इन शहीदों को अपनी तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही साथ मैं बल के उन 44 कर्मठ बल कर्मियों को भी नमन करता हूं, जिन्होंने COVID-19 महामारी के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर अपनी भूमिका निभाते हुए अपने प्राणों का त्याग किया। महोदय, 29 जनवरी 1964 को हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन रांची में लगी आग की जांच की गठित जस्टिस मुखर्जी कमीशन ने एक अखिल भारतीय केंद्रीय सुरक्षा बल के गठन की सिफारिश की थी, जिसके आधार पर 10 मार्च 1969 को संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत CISF का गठन एक पूर्णतः प्रशिक्षित, अनुशासित वॉच एंड वार्ड फोर्स के रूप में हुआ था। 1 नवंबर 1969 में RCF मुंबई में 160 बल सदस्यों ने अपनी यात्रा शुरू करने वाला ये बल 52 वर्षों में आज देश के सभी क्रिटिकल स्ट्रैटेजिक एस्टैब्लिशमेंट्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहा है। आज हम 1,60,000 से ज़्यादा की बल संख्या के साथ 350 के लगभग महत्वपूर्ण और संवेदनशील इकाइयों की प्रभावी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिसमें 64 महत्वपूर्ण हवाई अड्डों के साथ साथ ऊर्जा, इस्पात, कोयला, विद्युत क्षेत्र की परंपरागत इकाइयाँ तथा अंतरिक्ष व परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के अति संवेदनशील उपक्रम में शामिल हैं। महोदय, एयरपोर्ट, दिल्ली मेट्रो, रेल जैसी जगहों पर हम लार्जर पब्लिक इंटरफेस के साथ सुरक्षा दे रहे हैं और भारत सरकार द्वारा दी गई जिम्मेवारी को पूरा करते हुए वर्ष 2006 में गठित हमारी स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप ने आज की तारीख में 102 VVIPs को प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभा रहे हैं। आज हम सरकारी उपक्रमों के अलावा निजी क्षेत्र के कई
एस्टैब्लिशमेंट्स को भी अपनी सुरक्षा कवच में ले चुके हैं। सीआईएसएफ की जिम्मेदारियों का विस्तार कश्मीर के गुरेज से लेकर सुदूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक तथा जामनगर गुजरात से लेकर सुदूर पूर्व सुभानसिरी तक हो चुका है। महत्वपूर्ण बात यह है महोदय कि इनमें से 52 इकाइयां ऐसी हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी हमारी सुरक्षा में घेरे में हैं। महोदय, सीआईएसएफ केंद्र का एक अकेला बल है, ऐसा बल है जिसका अति प्रतिशत व प्रोफेशनल फायरविंग है। सीआईएसएफ आज देश के 104 संस्थानों में अग्निशमन दस्ते की सेवा प्रदान कर रहा है। 1983 में इस बल को आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन के तौर पर पावर्स दिए जाने के तत्पश्चात हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ी हैं। लॉ एंड ऑर्डर सपोर्ट ड्यूटीज एवं चुनाव कर्तव्यों में भी भारत सरकार द्वारा सौंपी गई सारी जिम्मेदारियों को हमने प्रभावी ढंग से निभाया है और निभाते रहेंगे। पिछले साल लगभग बल की 360 कंपनियां आंतरिक सुरक्षा व चुनाव की ड्यूटीज के लिए विभिन्न राज्यों में तैनात की गई थी। सर, मूलतः सीआईएसएफ औद्योगिक की सुरक्षा से लेकर एयरपोर्ट सुरक्षा तथा वीआईपी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारियां एक डिफेंसिव ऑफेंसिव सिद्धांत पर अपना रहा है, परंतु ऐसा करते वक्त फर्स्ट रिस्पॉन्डर की हमारी भूमिका के तहत हम ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए भी सदैव कटिबद्ध और तैयार रहते हैं। इस बल के 126 रणबांकुरों ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों जम्मू एंड कश्मीर सहित देश के अन्य स्ट्रेटेजिक स्थानों पर कर्तव्य पर अपने प्राणों की आहुति देकर हमारी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को भी बखूबी प्रमाणित किया है। महोदय, आज सीआईएसएफ देश के महत्वपूर्ण क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षा देने के साथ ही बड़े पैमाने पर धन हानि से भी सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इस बल की अत्यंत प्रोफेशनल अग्निकल शमन शाखा ने वर्ष 2020 में कुल लगभग 2060 आग की घटनाओं में लगभग 302,53,00,000 मूल्य की राष्ट्र संपत्ति को नुकसान होने से बचाया है। हमारी तैनाती से जहां एक ओर सुरक्षा का बेहतर माहौल बनने से औद्योगिक उपक्रमों की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, वहीं दूसरी तरफ थेफ्ट और सैबोटेज जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक के द्वारा हम बड़े पैमाने पर राष्ट्र को लॉस प्रिवेंशन से भी बचा रहे हैं। महोदय, आज सीआईएसएफ अपने मानवीय सरोकारों के लिए भी जाना जाता है। बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी से आगे बढ़कर हमारे बल सदस्यों ने एयरपोर्ट और दिल्ली मेट्रो जैसी इकाइयों में यात्रियों के सहयोगी के रूप में भी हमारी पहचान आज तैयार हुई है। आपके संज्ञान में यह लाना चाहूँगा महोदय कि वर्ष 2018 से 2020 के बीच हमारे बल सदस्यों ने विभिन्न एयरपोर्ट्स दिल्ली मेट्रो में लगभग 34 करोड़ रुपये के मूल्य की लॉस प्रॉपर्टी, जिनमें नगद राशि और अन्य बहुमूल्य सामान शामिल थे, उन्हें सभी यात्रियों को वापस किया है। हमारे बल सदस्यों ने एयरपोर्ट व डीएमआरसी में अनेक अवसर पर सीपीआर जैसे उपायों से आपातकालीन दशा में पहुंचे यात्रियों को बहुमूल्य जीवन दिया है। इस कार्रवाई का संज्ञान शासन के स्तर पर भी समय समय पर लिया गया है, ये हमारे लिए बहुत गर्व सम्मान की बात है। वर्ष 2020 में कालीकट एयरपोर्ट में हुई विमान दुर्घटना के बाद फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर सीआईएसएफ ने लगभग 190 यात्रियों को विमान के मलबे से बाहर निकालकर बचाने का कार्य, एनएलसी नेवेली इकाई में थर्मल पावर स्टेशन के बॉयलर क्षेत्र में ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग से हमारे अग्निशमन दस्ते द्वारा 17 संयंत्र कर्मियों की जीवन रक्षा तथा तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कॉरपोरेशन सीसाइलम में भयानक आग लगने के बाद आग में फंसे 9 कर्मचारियों को सुरक्षित निकालना जैसे कई कार्य इस बल की प्रशंसा से जुड़े हैं। इस क्रम में बताना चाहूँगा महोदय कि राष्ट्र के प्रति समर्पित व प्रतिबद्ध हमारे संवेदनशील सभी अधिकारी व बल कर्मियों ने स्वेच्छा से अपने एक दिन के वेतन के बराबर धनराशि लगभग 16,23,82,357 रुपये पीएम केयर फंड में स्वेच्छा से अर्पित किया है। इस अवसर पर मैं बल के कुछ विशेष उपलब्धियां आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। कोविड की इस चुनौती के बाद हमारे बल सदस्यों ने ई कार्यालय वेब एप्लीकेशन विकसित किया है, जिससे कार्यालयों के बीच फाइलों की आवाजाही को डिजिटल रूप में परिवर्तित कर फाइल प्रोसेसिंग में समय की बचत के साथ ही साथ बहुत कम समय में बेहतर ढंग से कार्य पूरे करने का कार्यक्रम भी हमने शुरू किया है। और सीआईएसएफ के इस ग्रीन इनिशिएटिव के माध्यम से हमने लगभग 1 करोड़ रुपए की सरकारी धनराशि खर्च होने से बचाया है।
सीआईएसएफ के सामने आने वाली भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए हम लगातार अपने आप को एक कॉस्ट इफेक्टिव फोर्स के तौर पर एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें ह्यूमन रिसोर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बीच एक समन्वय स्थापित करते हुए नई जरूरतों के हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश हमारी तरफ से निरंतर जारी है। हमारी पूरी कोशिश है कि सीआईएसएफ एक क्लाइंट रिस्पॉन्सिव फोर्स के रूप में क्लाइंट्स की आवश्यकताओं के अनुसार काम करने का प्रयत्न करेगा और एक कॉस्टली फोर्स होने का जो परसेप्शन है उसे हम पूरी तरह से बदल सकेंगे। महोदय, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के लिए प्राथमिकता के साथ साथ हमने बल सदस्यों के वेलफेयर को भी उतना ही महत्व दिया है। एक इनहाउस ग्रीवेंस रिडेशनल ऐप उपलब्ध कराने के साथ ही एक रोबस्ट सिस्टम का भी निर्माण किया गया है, जिससे बल के सभी सदस्यों की समस्याओं को हम प्रभावी ढंग से दूर कर सकें। हमारे भूतपूर्व बल सदस्यों की पेंशन संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर पेंशनर कॉर्नर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिससे भी हमारे बल सदस्यों द्वारा विकसित किया गया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भूतपूर्व बलकर्मियों को इनबिल्ट शिकायत निवारण तंत्र के लाभ के अलावा सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं जैसे नौकरी के अवसर, पेंशन संबंधित लाभ, अधिक जानकारियां मिल सकेंगे। और महोदय, इस बात को मैं यहाँ जाहिर करना चाहूँगा कि ये मुख्यालय स्तर पर, फोर्स हेडक्वार्टर स्तर पर निरंतर इसको क्लोज मॉनिटरिंग की इसकी की जा रही है, ताकि इसमें भी समय ज़्यादा व्यतीत ना होते हुए हम इसका निवारण कर सकें। मैं अपने सभी बल सदस्यों को आज बताना चाहूँगा कि आपके करियर प्रोग्रेशन की ओर भी फोर्स हेडक्वार्टर्स का पूरा ध्यान है। हाल ही में बल में आरक्षक ट्रेड्समैन के लिए पदोन्नति के अवसर आज तक नहीं थे। भारत सरकार गृह मंत्रालय को आरक्षक ट्रेड्समैन की पदोन्नति पर पहल करते हुए प्रस्ताव भेजा गया, जिसे गृह मंत्रालय ने स्वीकार किया और सीआईएसएफ के इतिहास में पहली बार विगत वर्ष लगभग 996 आरक्षक ट्रेड्समैन को प्रधान आरक्षक ट्रेड्समैन के पद पर पदोन्नत किया गया है। इसके अलावा 31 दिसंबर 2020 तक एक वर्ष में लगभग 8,250 अधिकारियों व बल सदस्यों को भी पदोन्नति दी गई। महोदय, आज स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज इस बल के 1490 सहायक उप निरीक्षकों को उप निरीक्षक पद पर प्रोन्नति दी जा रही है, जो कि हाल ही में 1/1/2021 से ही इस पद के लिए एलिजिबल हुए थे। इन एएसआई साहबान को पदोन्नति के लिए योग्य होने में लगभग 3 माह के रिकॉर्ड समय में भीतर इन्हें सब इंस्पेक्टर पद पर प्रमोशन देकर इनके मनोबल को बढ़ाने का प्रयास किया गया है, वहीं जिसकी वजह से इस बल के ऑपरेशनल क्षमताओं को भी प्रभावी बनाया जा सकेगा। इसके लिए मैं बल मुख्यालय के पर्स विभाग को भी, अधिकारियों और कर्मियों को भी बधाई देता हूं, और मैं पूरा विश्वास है कि आते हुए समय में इस समय को जो भी प्रमोशन होंगे समय पर ही किए जाएंगे, उसमें कोई किसी प्रकार की कोताही बरती नहीं जाएगी। महोदय, बल की गरिमा को सदैव ऊंचा रखने एवं इफेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की निरंतरता कायम रखने के लिए हम प्राथमिकताओं के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। हमारा संकल्प है बल की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जीरो एरर नीति अपनाना व लागू करना। सीआईएसएफ के हर बल सदस्य को यह समझना होगा कि ऑपरेशनल चुनौतियां दोबारा मौका कभी नहीं देती हैं। हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बिना किसी गलती के लिए सदा तैयार रहना है। हम बल को संगठन, प्रशिक्षण व फंक्शनल तौर पर जीरो एरर के मानक से जोड़ेंगे। सीआईएसएफ को कॉस्ट इफेक्टिव बनाने तथा जरूरत के अनुसार ज्यादा ऑफेंसिव भूमिका स्वीकार करने के लिए हमें एक पैराडाइम शिफ्ट के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, जहां टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्सेज का बेहतर तालमेल हो और कम से कम लागत पर हम प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम हो सकें। उच्च स्तरीय उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के लिए सुरक्षा के मानकों को लगातार रिव्यू करने की प्रक्रिया जारी है, जिसे हमें अपनाना बहुत जरूरी है और जिसके लिए नियमित रूप से गहन प्रशिक्षण के द्वारा बल के सभी सदस्यों की योग्यता और कौशल को बढ़ाना हमारा लक्ष्य होगा। महोदय, कहा गया है, यू स्वेट इन पीस देन यू ब्लीड लेस इन वॉर। कहने का अर्थ यह है कि
पीस टाइम में अगर हम ट्रेनिंग अपनी ज्यादा करेंगे तो हमें ऑपरेशनल घटनाएं का जब सामना करने पड़ेगा तो हमारी काबिलियत और ज्यादा अच्छी रहेगी। बल सदस्यों का मनोबल ऊंचा रखने के लिए और फोर्स में पॉजिटिव कल्चर को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र व टीम वर्क को सीएसएफ में पूर्ण तरह से प्रभावी बनाने की कोशिश जारी है। महोदय, मैं आज इस मंच के माध्यम से भारत सरकार तथा प्रत्येक देशवासी को विश्वास दिलाता हूं कि सीआईएसएफ का प्रत्येक बल सदस्य अपनी जिम्मेवारी को पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण की भावना से निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अडैप्टेबिलिटी, प्रिपेयर्डनेस इस बल के संस्कार हैं जो हमें किसी भी दायित्व को स्वीकारने व चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सदा ही तैयार व तत्पर रखने में कायम रहेंगे। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। पदक अलंकरण समारोह। और अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय, केंद्रीय गृह सचिव भारत सरकार श्री अजय कुमार भल्ला से प्रार्थना करूंगी कि जिन बल सदस्यों को गणतंत्र दिवस 2020 तथा स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति पुलिस पदक तथा विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति फायर सेवा मेडल से अलंकृत करने हेतु चयनित किया गया है, उन्हें पदक प्रदान करने हेतु पधारे। विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति पुलिस पदक श्री संजय प्रकाश, इंस्पेक्टर जनरल सेंट्रल सेक्टर मुख्यालय भिलाई श्री प्रकाश। श्री सुनील कुमार मिश्रा, उप कमांडेंट एमपीटी मुंबई श्री मिश्रा। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजेंद्र बाबू, एमपीआरटीसी बहरोड श्री बाबू। विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति फायर सेवा मेडल असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फायर रसपाल दास रिटायर्ड MSTPP मऊदा श्री दास। सहायक उपनिरीक्षक फायर दरमियान सिंह, सेवानिवृत्त BHEL हरिद्वार श्री सिंह। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फायर उत्तर कंवर शर्मा FGUTPP उचहार श्री शर्मा। सहायक उपनिरीक्षक फायर रामनिवास GTPS घाटमपुर श्री रामनिवास। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फायर ए नारायणन SAC अहमदाबाद श्री नारायणन। धन्यवाद महोदय। और अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय, केंद्रीय गृह सचिव भारत सरकार श्री अजय कुमार भल्ला से अनुरोध करता हूं कि आप आशीर्वचन संबोधन हेतु पधारें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। श्री सुबोध कुमार जायसवाल जी,
महानिदेशक सीआईएसएफ, उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, अधिकारीगण, सीआईएसएफ के बहादुर जवानों, मीडिया के प्रतिनिधि, देवियों और सज्जनों, आज मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हुई सुबह परेड का इंस्पेक्शन करके। सीआईएसएफ एक ऐसी फोर्स है जो बहुत ज़्यादा अब विजिबल हो गई है पब्लिक के साथ, हर मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट्स पे सबके साथ डीलिंग है और एक बड़ी वेल नोन फोर्स है। हमारे सारे सीएपीएफ्स का अगर हम देखें या पुलिस फोर्सेस का हिसाब देखें तो वो लोगों के साथ एक डिफरेंट रिलेशन होता है। दो ऐसी फोर्स बन गई हैं, एक एनडीआरएफ है जो डिजास्टर में लोगों की सहायता करती है और एक आप लोग हैं जिसका पब्लिक डीलिंग से बहुत ज़्यादा वास्ता है। इस आज सीआईएसएफ के 52वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित हूँ, मेरे को बड़ी प्रसन्नता है और बड़ी गर्व की एक फीलिंग भी है कि इस अवसर पर आपको तथा आपके परिवारजनों को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। डीजी साहब ने कहा कि महामारी कोविड के समय में बहुत सारी सावधानियों को पालन करते हुए आज की इस भव्य परेड का उन्होंने बताया कि इसमें आज थोड़ा स्ट्रेंथ हम ऐसे कम रखते हैं। मैं आप सबको इस अनुशासन, लगन एवं समर्पण के लिए परेड कमांडर, परेड में सम्मिलित सभी अधिकारी एवं जवानों और वीरांगनाओं को बधाई देता हूं। 1969 में डीजी साहब ने बताया कि ये एक सार्वजनिक क्षेत्र और उपक्रमों के लिए रक्षण के लिए एक सुरक्षा फोर्स बनाई गई थी और आज उसका एक आकार जो 3000 से शुरू होके 163,000 तक पहुंच गया है, ये आप सभी के हार्डवर्क, कर्मठता का एक वो एग्जाम्पल है। आगे चल के हमें इस फोर्स को और भी बढ़ाना है और सरकारी उपक्रमों के अलावा भी हमें इसको आगे देखना है कि हम और देश की जो इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं, चाहे वो सरकारी क्षेत्र में ना भी हों, उसकी सुरक्षा में भी हमें आगे बढ़ना है। आज की सुरक्षा परिदृश्य में देखते हुए देश को नित नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि सीआईएसएफ अपनी दक्षता, कार्यकुशलता एवं चुनौतियों के अनुरूप स्वयं को ढालकर खतरों से निपटते हुए देश के विकास में निरंतर भागीदारी निभा रही है। बल को विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से अति संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंपे जाने का वास्तव में बल की क्षमताओं के प्रति सरकार के विश्वास का परिचायक है। जैसा कि मैंने कहा कि आगे चल के हमें इसके अलावा और भी देश की जो इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं उसके लिए भी हमें आगे काम करना है। आपकी दक्षता को देखते हुए परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष केंद्रों सहित 350 से ज़्यादा प्रतिष्ठानों के बारे में डीजी साहब ने बताया कि इसमें सीआईएसएफ अपनी और निजी संस्थान भी हैं ऑलरेडी 10 के करीब जहां पे आप अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में कई बड़ी चुनौतियां का बड़ा प्रभावी रूप से सामना किया है आप लोगों ने, उन्होंने कुछ घटनाएं बताई हैं। 1999 में कंधार घटना के बाद देश के सभी एयरपोर्ट्स पे आपका दायित्व आया और जब से वो दायित्व आया है, बड़ी खुशी की बात है कि इस तैनाती के पश्चात किसी भी एयरपोर्ट क्षेत्र में किसी तरह की भी सुरक्षा चूक नहीं हुई है और आप लोगों ने अपना काम बड़े प्रभावपूर्ण ढंग से निभाया है और सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ भी है। सीआईएसएफ ऐसा अकेला बल है जो प्रतिदिन एयरपोर्ट, दिल्ली मेट्रो रेल एवं देश के सभी महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर बड़ी संख्या में आम नागरिकों के सीधे संपर्क में आता है। डीजी साहब ने आपकी कुछ अच्छी अचीवमेंट्स बताई, लेकिन जैसे मैं कह रहा था कि जो पब्लिक डीलिंग जहां होती है वहां पे क्रिटिसिज्म होता है, लेकिन हमें सीआईएसएफ के हमारे जवान और वीरांगनाएं जो ड्यूटी निभा रहे हैं इसमें हमें बहुत नेग्लिजिबल के करीब ही शिकायत मिलती है और वो भी कभी कभी वेस्टेड इंटरेस्ट से मिलती है। इस बिहेवियर के लिए, इस कोऑपरेटिव बिहेवियर में आम लोगों के बीच एक अच्छी छवि बनाना बहुत मुश्किल काम है। आज के दिन में लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, बट आप लोगों ने बड़ी अच्छी छवि बनाई है। सुरक्षा कर्तव्य के साथ ही इस बल के सदस्यों का एक संवेदनशील मानवीय पहलू भी हमारे संज्ञान में आया, जैसे कोई चीज़ें भूल जाता है या
ट्रेन से गिरा हुआ व्यक्ति सडनली सीआईएसएफ के जवान ने उसको घसीट के ट्रेन के नीचे जाने से बचाया, ये एक टीवी पे देख के बड़ा गर्व महसूस होता है हम सबको कि बड़ा हमारे लोग अच्छा काम करते हैं। 2001 में संसद हमले के पश्चात दिल्ली में भी बहुत सारे सरकारी संस्थानों पे आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, बहुत सारे वीआईपीज के सुरक्षा की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको सौंपी गई है। ये भी एक बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है कि सरकारी दफ्तरों के वहाँ पे काम करना, जहाँ पे बड़े लोग मिनिस्टर्स और सब लोग आते जाते हैं, और अपनी एक इंडिपेंडेंट न्यूट्रल इमेज बना के वहाँ पे सुरक्षा को कड़ी दृष्टि रखना, और लोगों को ये भी फील नहीं होने देना कि हम उनको खराब तरीके से चेक करते हैं। तो ये आपकी ट्रेनिंग मैं कहूँगा कि बहुत अच्छे से करी गई है, और हम कई बार देखते हैं हमारे पास बड़ी डिमांड आती है कि हमें इस जगह पे भी सीआईएसएफ की आप लगवा दीजिए ड्यूटी, क्योंकि हमारा यहाँ चेकिंग अच्छे से नहीं होता है, हम सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है हमारे यहाँ काम करने, जो सरकारी अफसर दफ्तर भी हैं। तो ये आप अगेन मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों की ट्रेनिंग का अच्छा नतीजा है, ये बल के लिए बड़ा अत्यंत गर्व एवं सम्मान का विषय है कि 74वें स्वतंत्रता दिवस पर सीआईएसएफ के चार बल सदस्यों का, जिनका जिक्र डीजी साहब ने किया, भीषण आग में मुंबई और एक दूसरी जगह के, उसके लिए शौर्य चक्र मरणोपरांत की सम्मानित से उनको सम्मानित किया गया है। इन वीर जवानों के को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और जो भी उनके परिवारजनों के लिए सरकार की तरफ से और सीआईएसएफ की तरफ से किया जाना चाहिए, वो मेरा आइडिया है कि वो अब तक कर दिया गया है, लेकिन जो भी उसमें अगर कमी है तो उसको करना चाहिए। कोरोना महामारी के आरंभिक दौर में सीआईएसएफ ने फ्रंटलाइन वॉरियर्स की तरह काम किया, सभी हवाई अड्डों पे शुरू शुरू में इस महामारी के बारे में ज़्यादा पता नहीं था, सीआईएसएफ ने आगे बढ़ के ट्रेनिंग भी लिया, एनडीएमए के अधिकारियों के साथ मिलके बहुत जगह ट्रेनिंग करा भी गया, बहुत सारे एयरपोर्ट पे संस्थाएँ होती हैं अलग अलग से जिनके के लिए कि काम करना पड़ता है, और इनिशियली बहुत सारी मुश्किलें आई थी विदेशों से लौटते हुए भारतीय नागरिक या विदेशों से आने वाले लोग, लेकिन सीआईएसएफ ने हर एयरपोर्ट पे जहां भी दिक्कत आई बड़े अच्छे से उसको सिस्टम से बना के एक स्मूथ किया, जिससे गृह मंत्रालय को बड़ा अच्छा लगा कि हमारी एक फोर्स ने हमारी जहां भी पब्लिक डीलिंग में हमें एम्बेरसमेंट होने से बचाया, उसके लिए भी मैं आप सबको बधाई देता हूँ। इसके अलावा इस संक्रमण में आपने अधिकारियों एवं बल कर्मियों ने बड़े पैमाने पर प्लाज्मा दान, रक्त दान, जरूरतमंदों के लिए खाद्य पदार्थ, फेस मास्क, सैनिटाइजर, ये सारी चीज़ें भी वितरण की और अपना एक फोर्स का जो कल्चर होता है उसको आगे बढ़ाया है। इतना ही नहीं, इस महामारी में डीजी साहब ने बताया जूझते हुए 44 जाबाजों ने कर्तव्य निष्ठा की वेदी पर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया है, मैं ऐसे वीर सपूतों को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आप सबने, डीजी साहब ने बताया कि एक दिन का वेतन बड़ा वॉलंटरली प्रधानमंत्री केयर फंड में प्रदान किया है, राष्ट्रहित में आपका ये अंशदान वास्तव में सराहनीय एवं प्रशंसनीय है। आप सबको जानकारी ही होगी कि जिन कर्मठ बल कर्मियों ने कोविड-19 के संघर्ष काल में कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों की आहुति दी, उनके परिवारजनों की आर्थिक सहायता के लिए गृह मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया गया है कि इन शहीदों के नाम भारत के वीर पे पोर्टल में अंकित किया जाएगा और प्रत्येक शहीद के परिवारजनों को 15,00,000 रुपए तक की राशि मिलने का प्रावधान है, वो दिया जाएगा। मुझे विश्वास है कि ये राशि इन शहीदों के परिवारजनों की आर्थिक स्थिति को संभालने में सहायक भी सिद्ध होगी। अग्निशमन के बारे में डीजी साहब ने बताया, मैं पहले पावर सेक्रेटरी था, बहुत सारे पावर प्लांट्स हैं जहां पे आप सब डिप्लॉयड भी हैं और वहां पे आपकी फायर यूनिट्स भी हैं, कुछ मैंने क्लोजली भी देखी हैं और कुछ इन्हीं पावर प्लांट्स के वहां पे फायर सर्विस वालों को मेडल दिए, तो मेरे को अपना पिछली पोस्टिंग के बारे में भी बड़ा गर्व है कि मैं आज कुछ लोगों को उन जगहों पर अच्छा काम करने के लिए मेडल दे पा रहा हूँ। सीआईएसएफ एक और मामले में अनूठा बल है, इसके खर्च का भार केंद्र सरकार के खजाने से नहीं जाता है, आप अपनी सेल्फ सस्टेनिंग एक फोर्स हैं जो कि सरकारी प्रतिष्ठानों से जो अपना राजस्व आता है उससे अपना
काम चलता है। डीजी साहब ने जरूर कहा कि एक कॉस्टली फोर्स मानी जाती है, कभी कभी हमें ये समझना चाहिए कि आज कंपटीशन के ज़माने में एक्स्ट्रा खर्चा जहाँ भी होने से हमारी जो भी उत्पत्ति है, अगर वो हम दुनिया के दूसरे देशों से कम्पीट नहीं करेंगे तो हम उसको आगे बेच नहीं पाएंगे, एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, या बिजली भी बनाते हैं तो सस्ती बिजली नहीं बनाएंगे जिससे कि बहुत सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं। उस पर अगर हम अपनी इस कॉस्टिंग को ध्यान रखें तो देश की सेवा में ये एक और बड़ा कदम होगा। मुझे पूरा विश्वास है, जायसवाल साहब ने खुद ही इस पॉइंट को रेज किया है, उनकी नेतृत्व में ये चीज़ को थोड़ा सा अच्छे से देखा जाएगा और आगे बढ़ाया जाएगा। ये बड़ा महत्व का विषय है कि CISF आंतरिक सुरक्षा एवं चुनाव कर्तव्यों में भी अहम भूमिका निभा रहा है। मैं महानिदेशक CISF से पूरी तरह सहमत हूं कि इन 51 वर्षों की यात्रा में इस बल ने सभी तरह की चुनौतियों को अनुरूप बदलाव लाते हुए कठिन से कठिन दायित्वों का प्रभावी निर्वहन किया है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि देश सेवा के लिए समर्पित सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सदस्यों एवं उनके परिजनों के स्वास्थ्य की देखरेख के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना के अनुरूप आयुष्मान CAPF योजना 23 जनवरी को गुवाहाटी में लॉन्च की गई। इसको अब हम सारे देश में सभी अपने पुलिस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस कर्मियों के लिए लागू कर रहे हैं। इसमें 24,000 से ज़्यादा अस्पतालों में निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाएगा। ये योजना फेज्ड मैनर में पूरे देश में लागू हो जाएगी और इसके अतिरिक्त CAPF के कर्मियों एवं उनके परिजनों को एक हेल्थ कार्ड भी दिया जाएगा, जिससे आधार पर CAPF कर्मी प्रतिवर्ष उनके परिवार जन 3 वर्ष में एक बार निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण का लाभ भी उठा सकेंगे। केंद्र शासन समस्त केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए हमेशा अग्रसर है। इस क्रम में 2018 में आधुनिकीकरण योजना में हमने 1000 से ज़्यादा करोड़ रुपए की धनराशि भी ईयरमार्क की गई है, जिसमें CAPF को आधुनिक हथियार प्रशिक्षण उपकरण वगैरह उपलब्ध कराया जाते हैं। CISF का भी उसमें एक हिस्सा है और उम्मीद करते हैं कि उसको प्रोडक्टिवली यूज़ किया जाएगा। मैं ये भी उल्लेख करना चाहता हूँ कि भारत सरकार ने 2016 से CAPF के शहीद हुए बलकर्मियों के परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 15 लाख से बढ़ाकर 35 लाख कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त हिंसा कृत्यों में शहीद हुए बलकर्मियों के परिजनों को मिलने वाली मुआवजा राशि को भी 25 लाख कर दिया गया है। J&K के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात CAPF बलकर्मियों को प्रतिमाह मिलने वाले जोखिम और हार्डशिप अलाउंस की भी वृद्धि करी गई है, जो कि राशि 25,000 रुपए तक पहुंच गई है। श्रीनगर या आसपास के क्षेत्र में तैनात बलकर्मियों को दिल्ली से श्रीनगर एवं जम्मू से श्रीनगर तक की यात्रा के दौरान हो रही असुविधाओं को ध्यान रखते हुए और अब कर्तव्य में अवकाश के दौरान निःशुल्क हवाई यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। हम CAPF कर्मियों की आवास संबंधी समस्याओं को निवारण के लिए प्रतिबद्ध हैं। फिलहाल इस क्षेत्र में 55% लक्ष्य प्राप्ति के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं और वर्ष 2024 तक 65% से अधिक लक्ष्य प्राप्ति की हमारी योजना है। हमारा ये विजन है कि हम जितने से अपने कर्मियों को अच्छे से रहने की सुविधा प्रदान करें ताकि वो अपने फैमिली के साथ भी ज़्यादा समय बिता सकें। ये भी प्रसन्नता का विषय है कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के भारत सरकार के लक्ष्य में CISF ने अग्रणी भूमिका निभाई है। आज CISF में महिला कर्मियों का सहभागिता प्रतिशत केंद्रीय पुलिस बलों के बाकी बलों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है, बल्कि ये बहादुर महिला कर्मी पुरुषों के समकक्ष सभी जिम्मेदारियों का बखूबी निर्वहन कर रही हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी CISF में महिला कर्मियों की संख्या में वृद्धि होगी, जो महिला सशक्तिकरण की ओर से बल का एक महत्वपूर्ण प्रयास साबित होगा। मुझे खुशी है कि देश हित में केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी एवं जागरूकता अभियानों जैसे स्वच्छ भारत अभियान, फिट इंडिया मूवमेंट, बृहत वृक्षारोपण, जल शक्ति अभियान, राष्ट्रीय एकता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने के लिए
देश भर में स्थित सीआईएसएफ की सभी इकाइयों में बल सदस्यों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर जनमानस को जागरूक भी किया है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सीआईएसएफ संरक्षण एवं सुरक्षा में लक्ष्य की प्रतिबद्धता एवं कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करेगा और जैसे कि जयसवाल साहब ने कहा कि एक जीरो एरर के उसमें हमारा टारगेट रख के आगे बढ़ेगा। मैं एक बार पुनः इस अवसर पर आपको एवं आपके परिजनों को हार्दिक बधाई देते हुए बल के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि जयसवाल साहब जिन्होंने अभी कुछ ही महीनों पहले इस बल की लीडरशिप को अपने हाथ में लिया है, अपने पुराने एक्सपीरियंस महाराष्ट्र के डीजीपी के रूप में उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी किया है, इस बल को नेतृत्व देते हुए बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। और अब मैं श्री सुबोध कुमार जायसवाल महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा निवेदन करूंगी कि आप माननीय गृह सचिव महोदय को आभार स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट करने हेतु पधारें। सो द ऑनरेबल डायरेक्टर जनरल सीआईएसएफ श्री सुबोध कुमार जायसवाल प्रेजेंटिंग आवर मोमेंटो टू द चीफ गेस्ट ऑफ द 52nd रेजिंग डे श्री अजय कुमार भल्ला। As we heard the Honorable Chief Guest congratulate CISF, talk about the evolution of the force in the last 5 decades. As the parade commander, Shri K.K. Bhardwaj will now seek permission from the saluting dais for the dispersal of the parade. परेड कमांडर ने निशान चोरी को कुछ करने का आदेश। निशान टोली का प्रस्थान। सहायक कमांडेंट श्री प्रबल प्रताप सिंह के नेतृत्व में निशान टोली। Thank you.
परेड कमांडर ने परेड की बागडोर परेड वैसी को सौंपी, परेड विसर्जन के लिए तैयार। सहिष्णुता की इस धरती ने अनेक संस्कृतियों एवं सभ्यताओं के विकास हेतु आदर्श वातावरण दिया है। इसका अद्भुत उदाहरण है यह स्थापना दिवस परेड। भारत निसंदेह जीता जागता राष्ट्रपुरुष है। यह चंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। सीआईएसएफ के रणबांकुरों का यह समूह मानवता के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु स्वयं को समर्पित करते हुए माँ भारती को पुनः वचन देते हुए कि हम जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। उठो धरा के अमर सपूतों, पुनः नया निर्माण करो जन जन के जीवन में, फिर से नई स्फूर्ति नव प्राण। और अब आपके समक्ष सीआईएसएफ की दक्षता को प्रदर्शित करने वाले डेमोन्स्ट्रेशन प्रस्तुत किए जाएंगे। स्थापना दिवस परेड के इस अभिभूत प्रदर्शन के साक्षी होने के बाद अब प्रस्तुत है उठते बढ़ते कदमों की वानगी साइलेंट ट्रिल। साइलेंट ट्रिल अर्थात मूक कवाय। इस प्रस्तुति में शामिल है बल सदस्यों की एक विशेष तथा अद्वितीय कवायद। साइलेंट ड्रिल का उद्देश्य एक टुकड़ी के द्वारा अनुशासन तथा आपसी तालमेल कायम रखते हुए बल के प्रशिक्षण तथा प्रोफेशनलिज्म को प्रस्तुत करना है। इस कवायद में बिना किसी मौखिक आदेश के कैलकुलेटेड मूवमेंट की श्रृंखला का प्रदर्शन किया जाता है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में मूक ड्रिल प्रथम बार वर्ष 2008 में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र आराकोनम में प्रदर्शित की गई थी। तदोपरांत यह मूक ड्रिल सभी महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का अभिन्न एवं अटूट हिस्सा है। सीआईएसएफ के समर्पित बल सदस्यों ने इस ड्रिल को बखूबी अपनाया है। तालमेल, एकाग्रता एवं समूह में काम करने की क्षमता का परिचायक है यह ड्रिल। विषम परिस्थितियों में एक जवान की चुस्ती, फुर्ती, मुस्तैदी एवं सटीक निर्णय लेने की क्षमता के साथ यदि हथियार पर पूर्ण नियंत्रण हो तब दुश्मन पर स्वयं के न्यूनतम नुकसान से काबू पाया जा सकता है। हथियार सैनिक के शरीर का महत्वपूर्ण अंग माना गया है जो उसकी शौर्य गाथा लेखन में उल्लेखनीय भूमिका अदा करता है। इस ड्रिल के बल सदस्य जिस नियंत्रण, संयम तथा सहूलियत के साथ
हथियारों को एक निश्चित तारतम्यता से घुमा रहे हैं। यह उनके निर्देशित कार्य को पूरी तन्मयता से निभाने के जज्बे को परिलक्षित करता है। अभ्यास के हैरतअंगेज कार्य को साधते सीआईएसएफ बल सदस्य छोटी छोटी टुकड़ियों में राइफल कवायद करते हुए। शारीरिक लोच, आंतरिक मजबूती और पहाड़ जैसे अटल इरादों के साथ टीम भावना की मनोरम झलक। ड्रिल की इस विधा को वही बल सदस्य आत्मसात करने में सफल हो पाता है जिसमें अद्भुत साहस, जुनून एवं धैर्य जैसे गुण चरित्र का हिस्सा होते हैं। साइलेंट ड्रिल, अपने साथी के ऊपर विश्वास, अपने हथियार पर पूर्ण नियंत्रण एवं समूह में काम करने तथा अपेक्षित परिणाम को प्राप्त करने के लिए एक समान प्रतिबद्धता को निरूपित करता है। सीआईएसएफ में इन मूल्यों को दी जाने वाली प्राथमिकता का जीवंत उदाहरण है यह मॉक ड्रिल। समुद्र की उठती गिरती लहरों का प्रतिबिंब, इसमें सौम्यता है, समरूपता है, सौंदर्य है और विशालता है। श्रृंगार रत यह परिसर उम्मीदों की नई बयार बल सदस्यों को स्पर्श कर रही है। आज इनके हथियार आह्लादित होकर महत्वाकांक्षाओं के पंख फैलाकर गगन पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं, अंधकार को भेदना चाहते हैं और प्रकाश को हाथ फैलाकर समेट लेना चाहते हैं जो एक समृद्ध वातावरण की नींव हो सके। एक दूसरे के ऊपर निर्भरता एवं उनकी उपस्थिति में महसूस किए जाने वाले संबल को राइफल एंथम में निरूपित किया गया है। मूक ड्रिल के बल सदस्य केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की विभिन्न इकाइयों से कुशल प्रशिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं। अपने बुनियादी प्रशिक्षण को पूर्ण करने के बाद यह बल सदस्य कई दिन के कठिन ड्रिल प्रशिक्षण को प्राप्त करते हैं एवं इसके बाद ही इस दस्ते में शामिल होने के योग्य बनते हैं। इस ड्रिल का खूबसूरत मंजर आपकी आंखों के सामने गुजरता हुआ और इसके विविध रंग एक सार्थक आकार प्राप्त करते हुए। तनाव के मध्य संयम और अनुशासन के उच्च मानदंडों को हासिल करते इन बल सदस्यों के राइफल के विभिन्न दिशाओं में नियंत्रित तरीके से गति के साथ घुमाना इनके उच्च स्तरीय प्रशिक्षण का सूचक है। सघन अभ्यास के पश्चात तालमेल का ऐसा स्तर भी प्राप्त किया जा सकता है जहां जटिल परिदृश्य भी इन बल सदस्यों के जज्बे को इंच भर भी न विचलित कर पाए। प्रदर्शन के अंतिम चरण में आप देख रहे हैं एक अद्भुत तथा हैरतअंगेज दृश्य। घूमते हुए तथा उछलते हुए हथियारों के मध्य से गुजरते इस बल के अधिकारी, चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमां के अखबार की है, मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, मैं चलूं तो मेरे संग कारवां चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की है, बात गुरूर की नहीं एतबार की है।
प्रदर्शनों की श्रृंखला में अगली प्रस्तुति है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल एसएसजी इकाई की ओर से वीआईपी सिक्योरिटी पर आधारित एक डेमोन्स्ट्रेशन। एसएसजी इकाई की स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी। एसएसजी वर्तमान में राष्ट्र के 100 से अधिक अति विशिष्ट व्यक्तियों को पर्सनल प्रोटेक्शन देने की जिम्मेदारी को संपूर्ण निष्ठा से निभा रही है। एसएसजी का कर्तव्य निर्वहन डिफेंसिव ऑफेंसिव सिद्धांत पर आधारित है। यह सुरक्षा डेमोन्स्ट्रेशन आपकी स्मृतियों में 30 मार्च 1981 को होटल हिल्टन यूएसए में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के ऊपर हुए जानलेवा हमले को सजीव कर देगा। 25 वर्षीय हमलावर जॉन हिंकली ने मात्र 2.5 सेकंड में 6 बुलेट्स रिवॉल्वर से प्रेसिडेंट रीगन पर फायर किया था। इस घटना के दौरान प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी टीम के द्वारा एक्सेम्पलरी कंडीशन सिक्योरिटी रिस्पॉन्स का प्रदर्शन किया गया। सुरक्षा कर्मियों ने टीम वर्क, प्रोफेशनल प्रोटेक्शन स्किल्स, क्विक रिफ्लेक्स, इंटरपोस्ट इन द लाइन ऑफ फायर, इवैक्यूएशन ड्रिल एवं प्रेजेंस ऑफ माइंड की अनूठी मिसाल प्रस्तुत की। इस अद्भुत और साहसिक एक्शन में टीम मैकार्थी ने राष्ट्रपति के ऊपर आने वाली गोली को अपने ऊपर ले लिया, सर्विस बिफोर सेल्फ का अनुकरणीय उदाहरण। इवैक्यूएशन के दौरान पीएसओज ने राष्ट्रपति की गंभीर बुलेट इंजरी को आइडेंटिफाई किया और नाजुक पलों को बचाते हुए कारकेट को वाशिंगटन हॉस्पिटल की ओर रीरूट किया। मेडिकल कंटिजेंसी की सूचना मेडिकल टीम तक पहुंचाई और मेडिकल इमरजेंसी गोल्डन 30 मिनट्स का बेहतरीन इस्तेमाल। इस प्रदर्शन का उद्देश्य यह भी है कि वीआईपी सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों एवं संभावित खतरों का चित्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। वीआईपी सुरक्षा के 2 मूल मंत्र हैं। वीआईपी को खतरे से दूर रखा जाए या खतरे को वीआईपी तक न आने दिया जाए। इसे अंजाम देने के लिए प्रोटेक्शन टीम 4 मौलिक सिद्धांतों पर काम करती है, जिसमें शामिल है थ्रेट परसेप्शन, एडवांस सिक्योरिटी लाइजन, एंटी साबोटेज रेगुलेशन, फिजिकल सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट, एक्सेस कंट्रोल और प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट, कंटिजेंसी प्लानिंग एंड इवैक्यूएशन ड्रिल। अभी आप देख सकते हैं मंच के सामने आयोजन स्थल का दृश्य, जो एक होटल परिसर है। इस आयोजन स्थल पर अति विशिष्ट व्यक्ति का एक कार्यक्रम है। सुरक्षा टीम के एडवांस ऑफिसर्स अपनी आवंटित एरिया ऑफ सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दर्शाते हुए लाइटिंग पॉइंट, प्लेस ऑफ फंक्शन, मीडिया कंट्रोल, एडवांस सिक्योरिटी टीम के सदस्य अपने जोन में होने वाले संभावित खतरे को स्थिति के अनुसार न्यूट्रलाइज करेंगे। वीआईपी सुरक्षा एक चुनौती अज्ञात हमलावरों एवं उनकी साजिश से निपुणतापूर्वक निपटने की, एक चुनौती उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने की, क्योंकि वीआईपी की क्षति एक व्यक्ति की ही क्षति होती नहीं, क्षति होती है एक राष्ट्र की, एक प्रश्न चिन्ह सुरक्षा व्यवस्था और जनता में सुरक्षा के प्रति विश्वास पर। और अब मैं आप सभी का ध्यान ले जाना चाहूंगा मैदान की बाईं ओर। मैं पुनः आप सभी का ध्यान लेकर जाना चाहूंगा मैदान की बाईं ओर। यह दृश्य सिक्योरिटी कारकेट के मूवमेंट का है, जो कि मुख्य मार्ग से प्लेस ऑफ फंक्शन की ओर प्रस्थान कर चुका है। सिक्योरिटी बॉक्स फॉर्मेशन में वीआईपी का कारकेट आगे बढ़ते हुए स्ट्रैटेजिक ऑर्डर में सबसे आगे है पायलट कार, फिर मेन कार, स्क्वाड 1, स्क्वाड 2 एवं सबसे पीछे स्पेयर कार। मेन कार ऑलराउंड 360 डिग्री प्रोटेक्शन कवच के साथ पूरी तरह सुरक्षित। यह काफिला विशिष्ट इवेसिव एंड डिफेंसिव ड्राइविंग स्किल्स में निपुण चालकों के हाथ में है। इसे समृद्ध सुरक्षा का एक अभिन्न अंग माना जाता है। इन वाहनों के चालक गाड़ी को सुरक्षा कवच की तरह बखूबी इस्तेमाल करने में पूरी तरह दक्ष, सक्षम तथा प्रशिक्षित है। वीआईपी का काफिला प्लेस ऑफ फंक्शन की ओर बढ़ते हुए स्क्वाड 1 के पीएसओ स्मार्ट फेंडर वॉक करते हुए मेन कार को कवर करते हैं। 360 डिग्री ऑब्जर्वेशन और किसी भी संभावित खतरे से कारकेट को सिक्योर करते हैं। वीआईपी का काफिला अलाइटिंग पॉइंट की तरफ बढ़ते हुए, सुरक्षा का इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि अलाइटिंग पॉइंट पर कई बार सफल असासिनेशन प्रयास हो चुके हैं। इस लिहाज से सतर्कता एवं चाक चौबंद व्यवस्था की अनिवार्यता और भी बढ़ जाती है। आप देख रहे हैं वीआईपी का कारकेट अलाइटिंग पॉइंट पर पहुंचते हुए, वीआईपी निर्धारित अलाइटिंग पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। लीड और टीम इंचार्ज के बीच इशारे से संपर्क और सेफ एंड सिक्योर सिचुएशन का सिग्नल। टीम इंचार्ज पुनः स्थिति का जायजा लेते हैं और सिक्योरिटी टीम की पोजीशन सुनिश्चित करते हैं। वीआईपी को वाहन से नीचे उतारा गया और अभी आप देख सकते हैं वीआईपी को वॉक अबाउट फॉर्मेशन में लाते हुए सीपीटी के सदस्य।
मैं अब आपको सीपीटी कंपोनेंट एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। लीड पीएसओ टेल और अभी आपके समक्ष क्राइसिस सिचुएशन के दौरान सीपीटी के सदस्यों द्वारा की जाने वाली चरणबद्ध कार्रवाई का ड्रिल प्रस्तुत किया जाएगा। ऑब्जर्वेशन साउंड ऑफ इंटरपोज न्यूट्रलाइजेशन बॉडी कवर डक डाउन इवैक्यूएशन अभी आपके सम्मुख किसी भी वीआईपी के सार्वजनिक स्थान पर कार्यक्रम में शामिल होने के दौरान विद्यमान सुरक्षा चुनौतियों के आलोक में सीपीटी के द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को स्लो मोशन में दिखाया जाएगा ताकि स्थिति एवं कमांडोज की कार्रवाई को आप बेहतर समझ सकें। वीआईपी होटल परिसर के अंदर अभी आप देख सकते हैं वीआईपी होटल के अंदर मंच पर आरूढ़ वीआईपी का संबोधन। इसी बीच स्क्वाड सदस्य द्वारा रीमार्शलिंग की कार्रवाई की जाती है। कार्यक्रम की समाप्ति कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात वीआईपी आयोजन स्थल से बाहर आते हुए मीडिया का अभिवादन। गोली चलने की आवाज अलर्ट पीएसओ के द्वारा कंडीशन रिफ्लेक्स का प्रदर्शन करते हुए साउंड ऑफ इंटरपोज बॉडी कवर डक डाउन की कार्रवाई। मीडिया गैलरी में मौजूद एडवांस ऑफिसर द्वारा न्यूट्रलाइजेशन एवं क्लोज प्रोटेक्शन टीम द्वारा इवैक्यूएशन और अब रियल टाइम इवैक्यूएशन ड्रिल का प्रदर्शन किया जाएगा। वीआईपी को वाहन से नीचे उतारा जा रहा है। वीआईपी ने मीडियाकर्मियों का अभिवादन स्वीकार किया। मंच की तरफ बढ़ते वीआईपी वीआईपी मंच पर आरूढ़ मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि वर्तमान परिवेश में वीआईपी सुरक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील कार्य है। वर्तमान में वीआईपी को आतंकवाद उग्रवाद असामाजिक तत्व दुश्मनों और विदेशी एजेंट से गंभीर खतरे हैं। इन्हीं खतरों से कुशलतापूर्वक निपटने के लिए एसएसजी कमांडोज को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाता है। कार्यक्रम पूर्ण होने के उपरांत सीपीटी इंचार्ज कार के डिपार्चर ड्रिल की तैयारी करने के लिए पायलट को रेडी फॉर डिपार्चर की सूचना देते हैं। वीआईपी ने सभी को अभिवादन किया। अचानक गोली चलने की आवाज मीडिया कर्मियों के बीच मौजूद अटैकर को मार गिराया गया। वीआईपी को सेफ इवैक्यूएट करने की कार्रवाई की जा रही है। अभी आप देख रहे हैं बिजली की गति से एसएसजी कमांडोज वीआईपी को बॉडी कवर डक डाउन करते हुए बुलेट प्रूफ वाहन में इवैक्यूएट करके सेफ हाउस की तरफ बढ़ते हुए और अंतिम पीएस ने भी कारकेट को सफलतापूर्वक ज्वाइन कर लिया है। यह क्लोज प्रोटेक्शन टीम के सदस्यों के लिए वीआईपी की सुरक्षा पंक्ति में करो या मरो की स्थिति। इस प्रकार के हमले के दौरान वीआईपी का सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट मोड में है। अभी आप देख रहे हैं वीआईपी का कारकेट सेफ हाउस की तरफ बढ़ता है। बड़ा धमाका जबरदस्त धमाका सीपीटी प्रशिक्षित चालकों द्वारा इमरजेंसी ब्रेकिंग। और अभी आप देख रहे हैं रिवर्स ड्राइविंग करते हुए कारकेट के द्वारा शानदार यांकी लेफ्ट का कारकेट पुनः सेफ हाउस की तरफ बढ़ता। और अभी आप देख रहे हैं अचानक फोर्सफुल इंट्रूजन सीपीटी कमांडोज चलते हुए सिक्योरिटी काफिले से ऑटोमेटिक वेपन फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए बोल्ड अटैक को न्यूट्रलाइज करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार स्क्वाड वन के सदस्य मेन कार को प्रोटेक्शन कवर देते हुए वीआईपी को खतरे से बचाकर निकालने में सफल हो गए हैं। बदली हैं सुरक्षा परिस्थितियां, बदली हैं चुनौतियां, नहीं बदला है तो एसएसजी कमांडोज का सेवा के प्रति अटूट समर्पण। सिक्योरिटी कार के लिए पहली प्राथमिकता है कि वह हमले के दौरान मेन कार को तुरंत खतरे से दूर ले जाए और सेफ और सिक्योर। कार के ड्राइवर्स एक्सट्रीम ऑपरेशनल कंटिन्यूसी स्ट्रेस में भी इमरजेंसी रेस्पॉन्स ड्रिल का बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं। इस प्रकार आप सभी ने देखा एसएसजी के कमांडोज के द्वारा वीआईपी को खतरे से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। सीआईएसएफ की एसएसजी का ये अपने स्पेशलाइज्ड सिक्योरिटी ट्रेनिंग एवं प्रोफेशनल स्किल्स के कारण आज एलीट मार चुके हैं।
वीआईपी सुरक्षा ड्रिल के जीवन प्रदर्शन के बाद हमारी अगली एवं अंतिम प्रस्तुति है अग्निशमन प्रदर्शन। सीआईएसएफ की अग्निशमन शाखा ने पिछले 5 वर्षों में 16,054 विभिन्न अग्नि दुर्घटनाओं से निपटते हुए लगभग 1561 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय संपत्ति एवं 127 लोगों के अमूल्य जीवन को बचाया है। आपके समक्ष हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्री का एक दृश्य जिसमें स्थित कैप्टिव पावर प्लांट के ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट के उपरांत आग लगने, संयंत्र परिसर में केमिकल रिसाव के कारण एक अन्य इमारत में आग, ऑयल टैंक व एलपीजी बुलेट में आग लगने की दुर्घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में की जाने वाली अग्निशमन एवं बचाव की कार्यवाहियों पर आधारित है यह प्रदर्शन, जिसमें सर्वप्रथम शरीर तथा ट्रांसफार्मर की आग, ऑयल टैंक तथा एलपीजी बुलेट की आग, केमिकल स्प्लिट फायर, स्मोक वेंटिंग फ्रॉम बिल्डिंग, लैडर, जंपिंग कुशन तथा रोप रेस्क्यू की विभिन्न तकनीकों द्वारा बिल्डिंग में फंसे घायल लोगों को बचाने का प्रदर्शन और अंत में अग्नि उपकरणों का प्रदर्शन होगा। और ये क्या, अचानक बी ब्लॉक के सामने स्थित कैप्टिव पावर प्लांट के ट्रांसफार्मर में विस्फोट हो गया है तथा ट्रांसफार्मर में आग लग चुकी है। आग की चपेट में आए 2 संयंत्र कर्मचारियों के शरीर में आग लगी है जो बी ब्लॉक से बाहर की तरफ आते हुए हमारे समक्ष खौफनाक दृश्य। लेकिन स्वयं की सूझबूझ तथा जानकारी की वजह से प्लांट कर्मचारी पीठ के बल लेट कर जमीन पर रगड़ कर आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच सूचना प्राप्त होते ही बाइक से सीआईएसएफ फायर विंग के 2 कर्मी तथा फायर टेंडर के साथ 2 बल सदस्य भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। अत्याधुनिक फायर फाइटिंग उपकरणों से लैस प्रशिक्षित फायर फाइटर्स जी जान से जुट जाते हैं आग के फैलाव को रोकने में। इसी बीच किले के प्राचीर के मध्य से संयंत्र कर्मचारी आग की लपटों से घिरा इधर उधर भाग रहा है। अग्निशमन कर्मी द्वारा कंबल से ढककर ब्लैंकेटिंग मेथड से आग को बुझाकर मानवीय जीवन की रक्षा की गई। ट्रांसफार्मर में विस्फोट होने के कारण बी ब्लॉक बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर भी भीषण आग लग गई है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल, लेकिन स्थिति पर बखूबी नियंत्रण किया जा रहा है। गंभीर रूप से घायल लोगों के उपचार तथा जीवन रक्षा हेतु मेडिकल फर्स्ट रेस्पॉन्डर टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। किले के प्राचीर के बाएं बी ब्लॉक के फर्स्ट फ्लोर पर केमिकल रिसाव की वजह से लगी भीषण आग को फायर फाइटर हाई एक्सपेंशन फोम जनरेटर की सहायता से बुझाते हुए साथ ही ट्रांसफार्मर की आग को भी इमरजेंसी फायर सिस्टम तथा फोम मॉनिटर के द्वारा बुझाया जा रहा है। बी ब्लॉक के सामने स्थित इमारत में भी कुछ संयंत्र कर्मचारी फंसे हैं। टॉक्सिक एनवायरनमेंट तथा आग की परवाह न करते हुए अपने प्राणों की बाजी लगाकर इमारत में फंसी कैजुअल्टी को कलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू टीम रोटेटरी रेस्क्यू सा की मदद से दीवार को काटकर बाहर निकाल रहे हैं। बुलंद इरादों वाले फायर फाइटर्स द्वारा कैजुअल्टी को फोर एंड हाफ मेथड से मेडिकल फर्स्ट रेस्पॉन्डर स्टेशन पहुंचाया गया जहां घायलों को जीवन रक्षा उपचार दिया जा रहा है। यहां ट्रांसफार्मर की आग पर भी काबू पा लिया गया है। इसी बीच बड़ा धमाका, क्रूड ऑयल टैंक में आग की लपटों का भयानक नजारा। किले के प्राचीर के दाहिने स्थित ए ब्लॉक के समक्ष क्रूड ऑयल टैंक में भी भीषण आग लग चुकी है। चुनौतियां ही वे अवसर है, वो पथ है जिस पर निखर कर बल और अधिक सुदृढ़ होता है। संयंत्र में एक के बाद एक अचानक घटी अग्नि दुर्घटनाओं पर काबू पाने और अपने साथियों की मदद के लिए दूसरा फायर टेंडर भी घटनास्थल पर पहुंच चुका है तथा क्रूड ऑयल टैंक की भीषण आग को यहां बुझाने की कोशिश की जाएगी। हवा के कारण क्रूड ऑयल टैंक में लगी आग ए ब्लॉक के फर्स्ट फ्लोर पर भी फैल चुकी है जहां धुएं की वजह से कुछ संयंत्र कर्मचारियों के बेहोश होने की संभावना है। चीख चिल्लाहट अफरा तफरी और धुएं के भयावह गुबार से जूझते हुए अग्निशमन कर्मियों ने सबसे पहले लैडर को पिच किया। फायर फाइटिंग एवं बचाव कार्य के लिए दक्ष निपुण तथा प्रशिक्षित 2 अग्निकर्मी ब्रीदिंग ऑपरेटर सेट एवं वाटर मिस्ट बैकपैक के साथ ए ब्लॉक के फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ते हुए, साथ ही तीसरा अग्निकर्मी बचाव कार्य के लिए रेस्क्यू इक्विपमेंट के साथ ऊपर जा रहा है। विकट परिस्थिति में संयम और टीम एकजुटता का नायाब प्रदर्शन। क्रूड ऑयल टैंक की भीषण आग को भी फॉर्म मेकिंग ब्रांच टेनेक
स्प्रिंकलर सिस्टम तथा फॉर्म पोरर की मदद से कूलिंग एवं ब्लैंकेटिंग इफेक्ट द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। ऊपर गए अग्निकर्मियों द्वारा वाटर मिस्ट बैकपैक की सहायता से आग पर काबू पाया जा रहा है और अब आग पर काबू पाने के साथ साथ बहादुर व चपल अग्निशमन कर्मियों द्वारा ए ब्लॉक में फंसी एक कैजुअल्टी को थ्री लूप गो लाइन की मदद से नीचे उतारने की सफल कोशिश की जा रही है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का अग्निशमन दस्ता व्यवसायिक प्रशिक्षित एवं अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित दस्ता है। सीआईएसएफ फायर विंग द्वारा देश के सरकारी स्वायत्त तथा निजी संस्थानों को भी फायर कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रदान की जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं क्रूड ऑयल टैंक की आग पर भी लगभग काबू पाया जा चुका है और इसी बीच ए ब्लॉक के फर्स्ट फ्लोर से एक अन्य घायल कर्मचारी को रेस्क्यूअर द्वारा पिक के बैग कैरी नोट की मदद से लैडर से अब नीचे उतारने का प्रदर्शन किया जाएगा और इसी बीच ए ब्लॉक के सामने रखे एलपीजी बुलेट में भी अचानक अत्याधिक गैस रिसाव के कारण भीषण आग लग चुकी है। हवा के कारण आग और भी ज्यादा भड़क रही है। आग को काबू करने के लिए फायर टेंडर से हॉज को स्प्रिंकलर सिस्टम के साथ जोड़ा जा रहा है। इसी बीच साथी अग्निकर्मी द्वारा सूझबूझ का परिचय देते हुए प्रॉक्सिमिटी सूट पहनकर एलपीजी सप्लाई वाल्व को बंद कर आग को बुझाने का यहां प्रयास किया जा रहा है। मानव जीवन तथा राष्ट्रीय संपत्ति को बचाने के लिए जद्दोजहद कठिन प्रशिक्षण एवं नियमित अभ्यास का नतीजा है। यहां मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि बल अग्निशमन कर्मियों को अग्निशमन के अतिरिक्त आपदा प्रबंधन में भी महारत हासिल है। जैसा कि आप देख रहे हैं एलपीजी बुलेट की आग को भी फोम पोरर के द्वारा यहां काबू किया जा रहा है। अग्निशमन कर्मियों द्वारा यहां एलपीजी बुलेट की आग पर काबू पाया गया। अब मैं आपका ध्यान किले के मध्य सी ब्लॉक की ओर ले जाना चाहूंगा जहां पर ए एवं बी ब्लॉक में लगी भयंकर आग से अपने आप को बचाने के लिए संयंत्र के कर्मचारी एकत्रित हुए हैं जहां फायर कर्मियों द्वारा बड़ी तेजी और कुशलता से जंपिंग कुशन को लेआउट किया जा रहा है। साथ ही बी ब्लॉक में भरे हुए जानलेवा धुएं को स्मोक एग्जॉस्टर द्वारा बाहर निकालकर टॉक्सिक एनवायरमेंट को भी यहां नियंत्रित किया जा रहा है और इस समय सी ब्लॉक के सबसे ऊपर की मंजिल से मल्टीपल फ्रैक्चर कैजुअल्टी को रोलिंग स्ट्रेचर के द्वारा नीचे भेजा गया। मेडिकल रेस्पोंडर टीम लगातार घायलों के उपचार में जुटी है और इसी बीच जंपिंग कुशन का बेहतरीन इस्तेमाल, यहां एक प्लांट कर्मचारी को सुरक्षित बचाया गया। भयावहता और जोखिम भरे इस माहौल में घबराए हुए संयंत्र कर्मचारियों को ढाढ़स और हौसला देते सीआईएसएफ अग्निशमन शाखा के कर्मचारी। और जैसा कि आप देख रहे हैं एक और घायल व्यक्ति को पायलट चेयर तथा कैराबिना की मदद से यहां सुरक्षित नीचे उतारा गया। इसी बीच सुरक्षा मानकों तथा फायर सिद्धांतों को अपनाकर एक बार पुनः जंपिंग कुशन का शानदार इस्तेमाल और यहां पर एक और संयंत्र कर्मचारी को सुरक्षित नीचे उतारा गया। तत्पश्चात यहां सभी घायलों को मेडिकल फर्स्ट रेस्पॉन्डर टीम को मेडिकल उपचार हेतु सौंपा जाता है। चार शौर्य चक्रों तथा विभिन्न श्रेणियों के 345 फायर पदकों से अलंकृत सीआईएसएफ अग्निशमन शाखा देश के उद्योगों की रक्षक है और इस समय बचाव कार्य समाप्ति के बाद फ्लाइंग फॉक्स विधि को अपनाकर रेस्क्यूअर नीचे आता हुआ एक बार पुनः जंपिंग कुशन का शानदार इस्तेमाल। बचाव कार्य के दौरान बहुमंजिला इमारतों में लगी आग, धुएं के दम घोटने वाले गुबार तथा मौत के आसन्न खतरे को परास्त कर देने के पश्चात अब डिसेंडिंग टेक्निक का इस्तेमाल कर रेस्क्यूअर नीचे आने का प्रदर्शन प्रस्तुत करेंगे। केंद्रीय
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का फायर दस्ता 7,967 अग्निशमन कर्मियों के साथ देश के 104 महत्वपूर्ण संस्थानों को सुरक्षा मुहैया करवा रहा है। और एक बार पुनः जंपिंग कुशन का इस्तेमाल। और अब सी ब्लॉक के झरोके से प्रथम रेस्क्यूअर चेस्ट के सामने दोनों हाथों से रस्सी को पकड़कर स्लाइडिंग मेथड से नीचे आता हुआ। और अब आपके सामने फ्रंट रैपलिंग का प्रदर्शन, जिसमें फायर फाइटर द्वारा अपने बॉडी वेट को आगे की ओर झुकाकर दीवार पर रस्सी पकड़कर नीचे आने का प्रदर्शन। और आखिर में तीसरी विधि सीटेड रैपलिंग, जिसमें रेस्क्यूअर अपने बाएं हाथ से रस्सी को छोड़ते हुए दीवार को धकेल कर सुरक्षित नीचे आ चुका है। प्रदर्शन के अंत में हमारे राष्ट्र की आन बान और शान, हमारा गौरवशाली तिरंगा, जिस राष्ट्र ध्वज के नीचे शीश नवाकर हमारे जवान अपरिमित ऊर्जा प्राप्त करते हैं, संकल्प लेते हैं कि मानव सेवा के लिए सर्वस्व न्योछावर करने में हम इंच भर भी नहीं हिचकेंगे, उस ध्वज को कृतज्ञ फायर विंग के आभार की अभिव्यक्ति। होम मेकिंग ब्रांच के द्वारा बेहद खूबसूरत, हर्षित, गर्वित, उल्लासित तथा आह्लादित करने वाला दृश्य। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आजमाने के तले, आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आजमाने के तले। अग्नि रूप हूँ, अग्नि का उपासक हूँ मैं, अग्नि रूप हूँ, अग्नि का उपासक हूँ मैं, अग्नि मेरी आत्मा, सत्याग्नि का ही विस्तार हूँ मैं, फूल नहीं धधकता अंगार हूँ मैं, फूल नहीं धधकता अंगार हूँ मैं। हमसे टकराकर बाधाएं भी हो जाती हैं सरल, हम हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। और अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा कि पदक विजेताओं, परेड कमांडर तथा सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सीआईएसएफ के 52वें स्थापना दिवस की सुनहली यादों को छायाचित्रण हेतु समारोह मैदान में पधारने की कृपा करें। सभी सम्मानित अधिकारियों तथा आगंतुकों से हमारा अनुरोध है कि कुछ समय तक अपना स्थान बनाए रखें। सीआईएसएफ डेमोन्स्ट्रेशंस में हैरतअंगेज कारनामे, साइलेंट ड्रिल, वीआईपी सुरक्षा, अग्निशमन प्रदर्शन के रोमांचक दृश्य जो स्तब्ध भी करते हैं और साथ ही आश्वस्त भी कि जब भी कोई खतरा आता है तो कैसे उस पर तुरंत काबू पाया जाता है। आज सीआईएसएफ की पहचान एक प्रशिक्षित, अनुशासित तथा अग्रणी पुलिस बल के रूप में की जाती है। राष्ट्र की एकता, अखंडता और संप्रभुता अक्षुण रखने में सीआईएसएफ सदैव तत्पर रहती है। उम्मीद है हम सभी में उनका सहयोग करेंगे। जय हिंद।